नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं इनमें एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉलेजों में दोनों प्रक्रियाएँ स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब कि फर्स्ट किस्त और सेकेंड किस्त की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और कुछ कॉलेजों में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट किस्त ही जमा की जा रही है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि यहां पर जो फर्स्ट किस्त है वो तो ई प्रवेश के माध्यम से की जा सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ई प्रवेश से किस तरीके से करनी है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में यह है कि जो सेकंड किस्त जमा करनी है वो किस तरीके से करनी, क्योंकि यहां पर हर कॉलेज की अलग अलग तरीके से यहां पर सेकंड किस्त जमा की जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं फर्स्ट एडमिशन इंस्टॉलमेंट और सेकंड एडमिशन इंस्टॉलमेंट किस तरीके से आपको भरनी है अपनी एडमिशन सेकंड ईयर थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर के स्टूडेंटों के लिए। तो यहां पर वीडियो साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो मैं अपना ब्राउजर ओपन किए लेता हूं। ब्राउजर पर सिंपली यहां पर आपको सर्च कर देना है ई प्रवेश। जैसे ही आप यहां पर ई प्रवेश लिखकर सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो देखिए यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहां पर देखिए जो फर्स्ट किस्त है यहां पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मध्य प्रदेश में लगभग सभी कॉलेजों की सेम प्रक्रिया से की जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर ई प्रवेश स्टूडेंट प्रमोशन आपको लिखा दिख रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक दी गई इसी के नीचे, ये है आपकी यूजी के स्टूडेंटों के लिए, मतलब कि बीए बीएससी बीकॉम और एलएलबी वाले स्टूडेंटों के लिए, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो नीचे की तरफ जो लिंक दी गई है वो स्टूडेंट प्रमोशन फॉर पीजी फाइनल, मतलब कि एमए एमएससी एमकॉम वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए आप बीए कर रहे हो तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर बॉक्स में राइट क्लिक करें और यहाँ पर नीचे दिए गए आई एग्री के बटन पर आई एग्री करें और यहाँ पर सिंपली आप क्लिक कर दें, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी है उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर कैप्चर डालें और व्यू डिटेल की बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है ना। जैसे ही व्यू डिटेल के बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपकी फीस सबमिट हो चुकी होगी तो यहाँ पर भुगतान है लिखा दिखेगा, और फीस सबमिट नहीं हुई होगी तो यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर प्रिंट आउट की जगह पर पे का ऑप्शन आएगा, तो आपको पे कर देनी है। फोन पे वगैरह किसी भी माध्यम से पे कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट किस्त की बात, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड किस्त पर। तो सेकंड किस्त के लिए यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, यहाँ पर ISMS। तो यहाँ पर सिंपली आपको ISMS लिखकर और स्पेस डालकर MP ऑनलाइन लिखकर सर्च कर देना है गूगल पर, ठीक है ना। जैसे ही सर्च करते हो तो देखिए फर्स्ट लिंक आ जाती है, सिंपली यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए दो प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जाती हैं एडमिशन पे करने के लिए, ठीक है ना। पहला तो अगर आपकी यूजर आईडी क्रिएट की जा चुकी हो तो यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है पिछली यूजर आईडी के थ्रू। अगर आपने यूजर आईडी क्रिएट नहीं की है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली यहाँ से आपको अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है ना। अपने एनरोलमेंट को आपको अपना यूजर आईडी बनाना है और पासवर्ड आप किसी भी चीज़ को बना सकते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह। इसके बाद यहां पर मान लीजिए अगर आप यूजर आईडी बनाने के बाद भी आपकी फीस सबमिट करने के ऑप्शन नहीं आ रहे तो यहां पर देखिए वर्चुअल फीस कलेक्शन लिखा हुआ है, सिंपली यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है पहले तो, इसके बाद कोर्स सिलेक्ट करना है, इसके बाद कॉलेज सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कॉलेज हो। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद यहां पर सिंपली कोर्स सिलेक्ट करना है, मतलब कि बीए बीएससी बीकॉम जो भी है उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद ब्रांच वगैरह एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सब कुछ यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट की यहाँ पर बेसिक डिटेल डलेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है डिपार्टमेंट का, यहाँ पर हायर एजुकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। हायर एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अब ऑप्शन मिल जाएगा एडमिशन फीस का, तो सिंपली इस एडमिशन की फीस पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी आपके कॉलेज में फीस निर्धारित की गई हो उस फीस में से आपको
₹500 माइनस कर उस फीस को यहाँ पर टाइप कर देना है, और यहाँ पर रीमार्क में आपको एडमिशन फीस टाइप कर देना है, और यहाँ पर पिक्चर कैप्चर 7+8 मतलब कि 15 यहाँ पर टाइप करने हैं, और यहाँ पर डिक्लेरेशन के बॉक्स में राइट टिक करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है और पेमेंट कर देनी है। पेमेंट के बाद प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, तो आपकी सेकंड किस्त भी जमा हो जाएगी। यहाँ पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।